हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली कुछ रूल्स ऑफ ड्राइंग, वो भी पेंसिल कलर के। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपको आपकी जो भी ड्राइंग है उसका रफ बनाना है आपको, और फिर उसमें कलर करना है डायरेक्टली। और सेकंड रूल ये है कि आपको पहले आउटलाइन नहीं करनी है, आपको सबसे पहले कलर करना है। जब आपकी कलर हो जाए तब आपको आउटलाइनिंग करनी है, वो भी हल्के हल्के हाथ से, लाइट हैंड से, बहुत टाइट नहीं करना कलर को। एंड इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब मैं पूरे कलर के बाद मिलती हूँ आपसे। सो ये है थर्ड रूल कि अगर आपने कुछ ड्राइंग करी और वो बहुत गंदी लग रही है वो कलरिंग का, तो आप वाइट कलर को यूज़ करके इसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ पूरा। सो देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा था रियलिटी में, मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा या हमें ऐसी बनानी है सेम टू सेम। यहाँ ऐसी बनानी है यहाँ पे। सो अब हमें ब्लू कलर चाहिए, लाइट ब्लू कलर, और अब हम लेंगे डार्क ब्लू कलर। सो अब इन दोनों को मिक्स करके हमें कुछ बनाना है। अब कैसा लगेगा वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। सो ये गया रिज़ल्ट। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत रियलिटी में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड हाँ, मैं ये भी आपको बता दूँ कि मैंने इसको बनाने के स्केच कलर भी यूज़ किए हैं, एंड स्केच कलर बहुत सुंदर है। ये तो मैंने आपको दिखाए भी है, इसकी मैंने आपको अलग से अनबॉक्सिंग भी दिखाई है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो ये बहुत सुंदर लग रही है ड्राइंग, इससे और सुंदर बन गई है ड्राइंग, क्योंकि पेंसिल कलर बहुत लाइट चल रहे थे इसलिए मैंने इसे यूज़ करा है, और मुझे डार्क चाहिए था। तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं, टू साइड ब्रश पेन। तो तब तक ले, टेक केयर एंड बाय बाय।